आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो होता है सिलेक्शन टूल, लासो टूल। लासो टूल जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स के होते हैं। लासो टूल में पॉलीगोनल लासो टूल होता है, और एक होता है मैग्नेटिक लासो टूल होता है। सभी टूलों का अपना अपना एक अलग अलग जो है वर्क होता है। हम सारे तीनों टूल्स में प्रैक्टिस करके बताएंगे कि सभी टूल्स जो है सिलेक्शन में किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले हम लोग लासो टूल के बारे में बात करें। जो लासो टूल होता है ये क्या होता है कि फ्री हैंड टूल होता है। ये मतलब सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है वो फ्री हैंड टूल होता है। जैसे हम लोग किसी बारीकी चीज को सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग बार बार उस चीज पे क्लिक करके उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक फ्री हैंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मुझे सिलेक्शन करना है इस जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे हमें इस इमेज को उठाना है। तो ये जो टूल होता है, इस टूल का यूज फ्री हैंड होता है। मतलब जैसे मैंने एक क्लिक किया और ये फ्री होता है, हमें माउस को प्रेस करते हुए सिलेक्शन करते हुए इसको पूरा आउटडोर सेलेक्ट करना है। बारीकी सिलेक्शन नहीं होता है, जैसे कि पूरा क्या है आउटडोर ये बना और इस टूल को हम लोग इसे एक एरिया या पाथ जो है डायरेक्ट बना देता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने सिलेक्ट किया है इसे, ये हमारा जो है फ्री हैंड टूल बोला जाता है इसको एक प्रकार से, कि जहां पर क्लिक करते हैं वो जो है सिलेक्शन एरिया पूरा एक बना देता है। अब जो है हमें इस को सिलेक्ट किया और हम क्या करते हैं, अब मूव टूल जो होता है, मूव टूल से इसको हम जो है कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो है ये सिलेक्शन जो है प्रॉपर हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इस इमेजेस के जस्ट आदि आप देखेंगे इमेजेस के जो बारीकी जो जो आपके जो सिलेक्शन एरिया है उस सिलेक्शन एरिया में प्रॉपर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें जो है इसके आउटलाइन पे सिलेक्शन जो है प्रॉपर हुआ नहीं है। तो ये टूल जो होता है मेनली जैसे हमें कोई फ्री हैंड टूल यूज करके किसी चीज को हम जो है वहां से पिक कर सकते हैं, बट इस टूल का यूज हमें बारीकी तरीके से नहीं हो पाता है। बारीकी तरीके से करने के लिए जो होता है हमें पॉलीगॉन टूल्स का यूज करना होता है। पॉलीगॉन टूल्स पे क्या करता है कि बार बार क्लिक करके उस एरिया को सेलेक्ट करना होता है जो एरिया पे जिस एरिया तक जो है इमेजेस है। अब मान लीजिए ये सेलेक्ट सेलेक्ट हुआ है और इस सेलेक्ट सेलेक्ट जो सिलेक्शन एरिया दिख रही है हमारी, इस सिलेक्शन एरिया को हटाने के लिए कंट्रोल डी से हम जो है इसको कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन एरिया को हटा सकते हैं। अब हमारा जैसे कि ये जो एरिया जो जो हमारा ये सिलेक्शन हुआ है ये प्रॉपर हुआ नहीं है, मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ जिससे कि जो हमारा कंट्रोल अल्ट जेड के साथ में मैं प्रेस करूंगा तो ये इमेजेस हमारा जो जहाँ पर हमने क्रॉप किया था, जहाँ पर सेलेक्शन किया था वहाँ पर इमेज जो है फिर से वहाँ आ गया। अब हम बताएंगे अगला जो जो इसी में सिलेक्शन करने का जो तरीका होगा, जो बेहतर तरीका होता है। जनरली हम लोग बेहतर तरीका यूज करते हैं जैसे कि प्रॉपर इमेजेस जो है सिलेक्ट हो जाए, जो हम लोग होता है पॉलीगॉन टूल होता है। मैं उसमें भी करके आपको दिखाऊंगा पॉलीगॉन टूल सिलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पॉलीगॉन टूल इमेज को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ साइज बढ़ा लेता हूँ और मैं इस प्रॉपर इसको जो है हर हर एरिया पे मुझे जो है क्लिक करना होगा। क्लिक कर करके मैं जाऊँगा जितना एरिया लेना है मुझे इस पर क्लिक किया, फिर मैं ये एरिया लेना है मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर ये एरिया लेना है मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर ये एरिया लेना है मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर ये एरिया लेना है मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर ये ऐसा क्लिक किया। हर जहाँ जहाँ लेना है वहाँ वहाँ मैं जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ वहाँ मैं क्लिक करते जाऊँगा और ये पूरा एरिया मैं इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा, ये पूरा एरिया मैं यहाँ पर क्लिक कर जाऊँगा। ध्यान रहना चाहिए कि माउस जो जो होगा हमारा माउस के हिसाब से इस इमेजेस पे चलना होगा,
और जैसे हम स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ हैंड का आइकॉन बनेगा, सिंबल बनेगा, जिससे कि मैं इमेजेस को क्या करता हूँ कि नीचे की ओर डाउन कर सकता हूँ, और फिर हमारा वहां से फिर शुरू हो जाएगा जहां से हमने इसको अभी किया था। जैसे कि हमने यहाँ सिलेक्शन करना शुरू किया है, बारीकी से जा रहे हैं कि प्रॉपर बारीकी आना चाहिए, जो बैकग्राउंड है हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बचेगा तो उसको हम बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन हमारा जो ये पूरा जो है सिलेक्शन, ये बेहतर तरीका होता है सिलेक्शन करने, किसी इमेज को सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है पॉलीगॉन टूल बेहतर तरीका होता है, क्योंकि ये प्रॉपर बारीकी तरीके से जो है इमेजेस को सिलेक्शन करता है। क्योंकि अभी हमने जो जो टूल जो टूल्स यूज किया था उसमें क्या था, फ्री हैंड टूल में क्या होता था कि हमें बारीकी तरीके से सिलेक्शन इमेजेस नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके पीछे जो है बैकग्राउंड इमेजेस दिख रहे थे, और ये जो हमारा होगा ये पूरा बारीकी तरीके से जो है इमेजेस को, मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ, बाकी आप इसको अभी अच्छे से करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, फिर 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 मैंने यहाँ पूरा एक यहाँ सेलेक्ट किया। मैं इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज को करना है, स्पेस आपको प्रेस करना होगा, स्पेस प्रेस करना होगा तो ये देख रहे होंगे कि हैंड का आइकॉन बन जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि इमेजेस को मूव करते हैं, कहाँ ले जाना है ले जाना है इमेजेस को, हम जूम करके भी रखा हुआ है ना इसमें, तो ऐसे देखिए यहाँ पर, जब हम मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ये पूरा सिलेक्शन हो गया मेरा बारीकी, क्योंकि उससे तो बेहतर ही बारीकी हुआ जो हमने अभी आपको बताया था, उससे तो बेहतर ही तरीका से बारीकी हुआ, क्योंकि पीछे जो इमेजेस का है ये बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इसको मूव टूल से इस चीज को ध्यान दिया, अब देखते हैं कि इमेजेस कंट्रोल डी से मैंने लेफ्ट से हटाया। देखिए जो हमने सिलेक्शन पहले किया था उससे तो बेहतर ही है, क्योंकि जो एरिया है हमारा काफी कम एरिया जो है बैकग्राउंड का एरिया दिख रहा है इमेजेस के इसमें। अब मैं इससे भी चाहूँ तो इसको भी और बारीकी से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। सिलेक्शन करने का तरीका पॉलीगॉन टूल ही जो होता है बहुत ही बेहतर तरीका होता है पॉलीगॉन टूल से, जैसे कि मैंने ये सब साइड की जो चीजें हैं इसको भी मैं बारीकी से क्रॉप कर सकता हूँ और अच्छे से सिलेक्शन इसको कर सकता हूँ चाहूँ तो इस तरह से इमेजेस सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है बहुत ही बेहतर तरीका होता है लासो टूल में, पॉलीगॉन लासो जो होता है ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है इमेजेस सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये बारीकी तरीके से मैंने बताया आपको जैसे सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आता है ये दूसरा हमारा जो जो आता है कंट्रोल जेड से, मैं फिर से इमेजेस को वहीं पर ले आया जहाँ पर था, कंट्रोल अल्ट जेड के साथ में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो है आपका मैग्नेटिक लासो टूल, मैंने जो मैग्नेटिक लासो टूल होता है, मैग्नेटिक लासो टूल जो होता है ये क्या करता है कि मैग्नेट की तरह, जादू की तरह जिसे हम बोलते हैं, जिसे हमने यहाँ पर लगाया फिर यहाँ किया फिर ये पूरा यहाँ से मूव करके इमेजेस को ले आया पूरा, देखिए ऑटोमेटिक हमें कुछ नहीं करना है, माउस केवल घुमाना है ना, तो माउस को प्रेस किया हुआ है हमने पूरा एकदम, केवल क्या करना है मूव करते जाना है, केवल क्या करना है हम जो है मूव करते हुए जाना है, पूरा मूव करते हुए मूव करते ऑटोमेटिकली अपने आप चल रहा है ये, केवल हमें पाथ देना है उसका, केवल हमें क्या करना है पाथ देना है। ये देखिए किस तरह से जा रहा है, मैं माउस प्रेस नहीं कर रहा हूँ, केवल माउस को मैं डाउन कर रहा हूँ बस, माउस मैंने किसी तरह का प्रेस नहीं किया हुआ है। जहां पर हमें ब्रेक देना होगा वहां प्रेस करना होगा, जहां पर हमें ब्रेक देना होगा वहां प्रेस करना होगा, ये हमने कर दिया। देखिए मैजिक टूल, अब मैं इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए इमेजेस को वहां से हम कैसे पिक करते हैं, ये सिलेक्शन टूल के लिए हमारा जो होता है लासो टूल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी इमेजेस को सिलेक्शन करने के लिए लासो टूल का यूज करना जरूरी है। लासो में तीन प्रकार के लासो टूल होंगे, लासो टूल पहले नंबर पे होगा, दूसरा टूल जो होता है बार बार क्लिक करके जो है हम पॉलीगॉन
पॉलीगोनल लासो टूल जो होता है ये बेहतर तरीका होता है। हालांकि जनरली यूज लोग इसी को करते हैं, पॉलीगोनल लासो टूल का यूज करते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल भी बहुत अच्छा होता है, और ये हमारा सिलेक्शन करने का तरीका होता है। वो आपके हैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हैंड फ्री सिलेक्शन टूल चाहिए या जैसा टूल चाहिए। इस टूल के हिसाब से हम लोग जो है इस इमेजेस को कट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, उस इमेजेस को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ बैकग्राउंड हैं, मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि इस लासो टूल से हम लोग को क्या क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, आज लासो टूल के बारे में हमने जान लिया। यदि कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग कमेंट्स पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैं और भी डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।